उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीराला और बीएसपी सदर मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के हक में नरमी बरतती हुई दिखाई देते हुए कहा कि मैंने मुल्क के मफाद में और ख़ासकर बीजेपी और आरएसएस जैसी ताकतों को कमज़ोर करने के लिए यूपी के अमेठी और रायबरेली में लोकसभा इंतखाब पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, क्योंकि इन दो सीटों पर कांग्रेस के दो बड़े लीडर इंतखाब लड़ रहे हैं, कहीं वो इस सीटों में उलझ कर ना रह जाएँ। हमने देश में आम जनहित में खासकर बीजेपी व आरएसएस वादी ताकतों को कमज़ोर करने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश की अमेठी व रायबरेली लोकसभा की सीट को कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए छोड़ दिया था ताकि इस पार्टी के दोनों सर्वोच्च नेता जो इन दोनों सीटों से ही फिर से यहाँ लोकसभा का आम चुनाव लड़ेंगे और अब वे यहाँ से लड़ भी रहे हैं तो वे कहीं इन दिन तो वे कहीं इन दोनों सीटों में ही उलझ कर ना रह जाए यदि ये अकेले ही ये चुनाव लड़ते हैं और फिर कहीं इसका फ़ायदा बीजेपी उत्तर प्रदेश के बाहर ज़्यादा ना उठा ले। इसे खास ध्यान में रखकर ही फिर हमारे बने इस गठबंधन ने ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए ही